देखकर हैरान हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को रिंकू सिंह ने इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। दूसरे टेस्ट मुकाबले में रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास और तोड़ दिया 270 साल पुराना रिकॉर्ड। रिंकू सिंह ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते ही एक एक गेंदबाजी की उड़ा कर रख दी धज्जियां। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रिंकू सिंह के आगे पानी भरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कैसा कहर बरसाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी, रोहित शर्मा की खुखार भरी विस्फोटक बल्लेबाजी और यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। विराट कोहली और रिंकू सिंह ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते हुए ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धो डाला। इंग्लैंड की घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। इंग्लैंड के कप्तान हुए भावुक जब उन्होंने देखा कि यहां पर रिंकू सिंह ने 13 शतक और यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया है। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते हुए नजर आए। रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल मैदान पर टूट पड़े। रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में 2 छक्के 2 चौके लगातार जड़ दिए। रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धो रहे थे। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रोहित शर्मा घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने 3 छक्के 2 चौके लगातार जड़े तो वहीं 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 6 गेंदों पर 5 छक्के जड़ दिए और एक गगनचुंबी चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब रोहित शर्मा 65 रन बनाकर के आउट का सामना कर बैठे पॉप के हाथों। जब कैच आउट हुए, यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा तो यशस्वी जायसवाल के ऊपर कंधों के ऊपर सारी की सारी दूसरे टेस्ट मुकाबले की जिम्मेदारी आ गई। तो रोहित शर्मा जब आउट हुए तो यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी हुई। विराट कोहली ने आते ही मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो डाला। इनकी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि हर एक गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए। विराट कोहली की दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी इसीलिए की क्योंकि विराट कोहली ने आते ही मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की और विराट कोहली काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाज भी है। आप सभी को बता दें कि पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को दूसरा टेस्ट मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने आते ही यहां पर लगभग 15वें ओवर में 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। विराट कोहली काफी खुखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वही तरफ दूसरी तरफ घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी कर डाली। जब यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कैच आउट का सामना कर बैठे तो यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए विकेट कीपर केएल राहुल आए। विकेट कीपर केएल राहुल काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। जब यशस्वी जायसवाल खुखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वो आउट होकर 112 रन बना करके, तो यहां पर आप सभी को बता दूं 41वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर केएल राहुल आए। विकेट कीपर केएल राहुल कम बोलते हैं लेकिन उनका बल्ला काफी ज्यादा बोलता है। विकेट कीपर केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट मुकाबले में 102 रनों की नाबाद पारी खेली थी और यहां पर भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 86 रन ठोके थे। यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में विकेट कीपर केएल राहुल ने आते ही मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू किया। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार विकेट कीपर केएल राहुल विराट कोहली की जोड़ी को कैसा तोड़ा जाए। ये दो बल्लेबाज मैदान पर इतनी तबाही भरी बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर गिर दी, लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब विराट कोहली जैसे खुखार विस्फोटक बल्लेबाज कैच आउट का सामना कर बैठे और यहां पर विकेट कीपर का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आ गए। रविंद्र जडेजा एक खुखार विस्फोटक बल्लेबाज है। रविंद्र जडेजा काफी कातिलाना विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक ऑलराउंडर बंदा तबाही भरी बल्लेबाजी से मैदान पर छक्के उठाता है। विकेट कीपर केएल राहुल ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर सनसनी सिला दी और यहां पर रविंद्र जडेजा ने खुखार विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो डाला। विकेट कीपर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, लेकिन विकेट कीपर केएल राहुल कैच आउट का सामना कर और फिर बाद में रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक खुखार विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई। जी हां, जिसको महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही छक्के चौके से बात की और इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की हर एक गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और यहां पर
में ओवर में आप सभी को बता दूं रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ दिए। रिंकू सिंह की तबाही भरी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। रिंकू सिंह की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह और रविंद्र जडेजा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर हर एक गेंदबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर विराट कोहली और रिंकू सिंह ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते ही काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की और हर एक गेंदबाज को पीछे छोड़ दिया। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर दी। यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में रिंकू सिंह ने 13 शतक जड़ दिया और यशस्वी जायसवाल ने भी 200 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।